ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज का वीडियो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वरना के लिए जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके लिए बहुत प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज बात करने लगे हैं वरना और इसके साथ का एक मेन कॉन्ट्रैक्टर जिसके साथ इसका लगातार युद्ध चलता रहता है। जैसे कहें कि हुंडई और सुजुकी के बीच में, मारुति सुजुकी के बीच में बहुत युद्ध चलता रहता है। आज उन दोनों कंटेंडर्स के बारे में बात करते हैं। हुंडई के बारे में पिछली वीडियो थी, उसके बारे में सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी मिल जाएगा कौन सा है, वो सारी डिटेल आप प्लीज़ आई बटन ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल उसमें मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज हुंडई की वरना 2020 और सियाज के बारे में। दोस्तों, आइडेंटिकल चेंजेस दोनों गाड़ियों में बहुत सारे हैं। सबसे पहले दोस्तों डिफरेंसेस की बात करते हैं, बाहर से दिखने में कैसी हैं गाड़ियाँ दोनों। तो देखने में दोस्तों दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती हैं, काफ़ी अलग नज़र आती हैं। जहाँ पे सियाज एक बड़ी बोल्डर गाड़ी की, लंबी गाड़ी की एक लुक देती है, जिसे एक लग्जरी कार की लुक देती है, वहीं पर एक प्रीमियम कार, एक बोल्ड कार की लुक देती है हमें वरना। तो डिज़ाइन अपना अपना मैटर है, चेक करने का, देखने का कि क्या क्या चीज़ें किसको पसंद आती हैं। किसी को लंबाई वाली कार ज़्यादा पसंद है, लंबी कार है अच्छी लगती है देखने में वो पसंद है, या किसी को बोल्ड और अट्रैक्टिव कार पसंद है। रोड परसेंट दोनों की ही अच्छी है, कोई ऐसी परेशानी किसी भी कार में नहीं है। अगर बात करूँ दोस्तों इनके ब्रांड की, तो ब्रांड दुनिया इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले दो ब्रांड यही हैं। सबसे पहला मारुति सुजुकी का नाम आता है, दूसरे पर वरना का आता है। लेकिन अगर कहीं पर पर्टिकुलरली सेडान्स की बात की जाए तो दोनों गाड़ियां बराबर ही टक्कर में बैठती हैं। बात करूं दोस्तों अगर मैं शुरुआत इसके डिफरेंस मेजर की, तो मेजर डिफरेंस इसमें इंजन में यही है कि दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन के साथ वरना हमारे पास अब पेश हुई है, जिसके अंदर की 1.5 लीटर का पेट्रोल डीजल दोनों और 1.0 लीटर का एक टर्बो इंजन भी आया है। ये वही इंजन है जो पहले वेन्यू में भी हमने देख लिया है। वहीं पर अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, पर्टिकुलर सियाज नहीं, मारुति सुजुकी सबकी बात करें, तो कहीं पे भी इनके पास डीजल इंजन के ऑप्शन नहीं है, अब बंद कर चुके हैं। 1.3 लीटर का एक इंजन था पहले, फिर 1.5 लीटर में कन्वर्ट किया गया उसको, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल है, जिसके अंदर की मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की सुविधाएँ हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, या तो हमें एक ड्राइव, मज़ेदार ड्राइव के लिए हमें इंजन चाहिए पेट्रोल में, तो वो सियाज के पास नहीं है 1.0 लीटर वाला, जैसे कि टर्बो इंजन वरना के पास है। और अगर दूसरी साइड पे बात करें कि अगर डीजल इंजन भी चाहिए, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, तो वो भी दोनों की सुविधा हमें नहीं मिलती है सियाज में। अब बात करते हैं दोस्तों अगली की इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, फिर लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, इन चीज़ों की बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं, और आके फिर देखते रहते हैं कीमतों के हिसाब से कहाँ कहाँ पे कौन सी गाड़ी बैठती है और क्या वैल्यू फॉर मनी है इतने पैसे लगाना। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो बेस वेरियंट है 9,31,000 रुपये का, एस वेरियंट वरना के अंदर अवेलेबल है। और वहीं पर हम अगर सियाज के अंदर देखें तो सिग्मा वेरिएंट 8,32,000 रुपये का है। आइडेंटिकल चेंज है बहुत बड़ा, 98,611 रुपये का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर हमें क्या क्या मिल पाता है, इंजन की पहले बात करते हैं। इंजन के अंदर 1497 cc का वरना और 1462 cc का सियाज के अंदर है। 113 bhp की पावर 6,300 rpm के ऊपर वरना का, और 103 bhp की पावर 6,000 rpm पर सियाज का इंजन हमें देता है। 4 सिलेंडर के BS6 इंजन दोनों ही हैं। 144 Nm की टॉर्क मिलती है हमें वरना में और 138 Nm की टॉर्क मिलती है हमें सियाज में। 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक, यहाँ पे CVT साथ में है इसके, ये हमें मिल पाती हैं दोनों सुविधाएं वरना के अंदर। और हमें टॉर्क कन्वर्टर वाला एक 4 स्पीड और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है हमें सियाज के अंदर, यानी कि ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की सुविधाएँ दोनों में मिल जाती हैं हमें। अगर बात करें टायर साइज की बेस वेरिएंट के अंदर, तो 185/65 R15 टायर दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम प्रोफाइल के टायर हमें मिल जाते हैं। माइलेज की अगर बात करो तो 17 से 18 की माइलेज क्लेम करते हैं वरना के लिए, और 18 से 20 की माइलेज क्लेम करते हैं सियाज में। और ये कहने वाली बात कहीं नहीं है, अनडाउटेडली सियाज एक बेहतर माइलेज वाली कार हमारे सामने मिल के आती है। या अगर हम कहें कि इन सारी चीज़ों को देख के 96,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाना वरना के ऊपर, वो थोड़ा सा ऑड लगता है। क्यों, उसके लिए थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं, वहाँ से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बात करूँ दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की, तो वो 45 लीटर का है और
सियाज के अंदर 43 लीटर का है। बूट की बात करूं तो 480 लीटर का बूट स्पेस वरना के अंदर है और सियाज के अंदर वही बूट स्पेस 510 लीटर का है, यानी कि 30 लीटर का ठीक ठाक सा डिफरेंस हमें बूट स्पेस भी मिलता है। ये क्यों मिलता है उसकी बात करते हैं। लेंथ की डिफरेंस की बात करते हैं तो 4440 mm की लेंथ है हमारे पास वरना में और 4490 यानी कि 50 mm ज़्यादा है लेंथ के मामले में, जैसे कि नी रूम, शोल्डर रूम और पीछे बूट के अंदर भी काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। यही 50 mm हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। विड्थ की बात करो तो 1729 है वरना की और 1730 5 mm ज़्यादा है, 1 mm ज़्यादा है सियाज के अंदर, कोई डील ब्रेकर नहीं है। 1475 हाइट है वरना की और 1485 यानी कि 10 mm ज़्यादा है सियाज के अंदर। और अगर मैं बात करूँ व्हील बेस की तो 2600 mm का मिल जाता है हमें वरना के अंदर और 2650 का व्हील बेस मिलता है हमें सियाज के अंदर। अगर ये सारी चीज़ों को देखें दोस्तों, लेंथ भी ज़्यादा है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर ग्रिप की बात करें, रोड ग्रिप की बात करें, तो वो भी बेहतर है इसके अंदर। बूट स्पेस भी बड़ा है, इंजन तकरीबन वैसा ही है, तकरीबन सेम इंजन है। तो क्या हम डिसाइड करें इस गाड़ी को, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिर्फ बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्या खासियतें हैं, उस हिसाब से कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। पहली बात करते हैं दोस्तों कंफर्ट के लिए क्या क्या मिल पाता है हमें वरना के अंदर। वरना के अंदर सबसे बड़ी खासियत दोस्तों बेस वेरिएंट से ही हमें एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधाएं के साथ यूएसबी, ब्लूटूथ और रेडियो की सुविधा भी हमें साथ में मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें सियाज के अंदर तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। टू डिन का एक म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर की दो ट्विटर और दो स्पीकर हमें डोर्स के अंदर मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता इसके अंदर। आर्कमीज का प्रीमियम साउंड का सिस्टम मिलता है वरना के अंदर, वहीं पे एक नॉर्मल साउंड सिस्टम मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है सियाज के अंदर। और अगर बात करूं दोस्तों इसके एसी, हीटर, पावर स्टेयरिंग, टिल्ट स्टेयरिंग, 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, यानी कि एसी, हीटर, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो वो हमें मिल पाती हैं दोनों गाड़ियों के अंदर कॉमनली। लेकिन 60-40 स्प्लिट की जो खासियत है वो सिर्फ और सिर्फ वरना के पास है, सियाज के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और कॉमन चीज़ों में और बात करूँ तो डुअल ट्रिप मीटर, सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल हेडलाइट्स, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट कप होल्डर्स, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट्स, फ्रंट एंड रियर बोतल होल्डर्स, ये सारी चीज़ें सेम हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड आइसोफिक्स, ABS, EBD, दो एयरबैग, सेंटर लॉकिंग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारी चीज़ें दोनों में ही कॉमन मिल जाती हैं। और अगर बात करूँ थोड़ा सा दोस्तों और देखते हैं कि वरना के अंदर हमें क्या खासियत मिलती है। वरना के अंदर क्या है, लेन चेंज इंडिकेटर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम और बैटरी सेवर, आर्कमी का साउंड सिस्टम प्रीमियम साउंड क्वालिटी के साथ 60-40 स्प्लिट, ये सारी खासियतों के साथ GPS नेविगेशन और रिमोट फ्यूल लिड होमटर और USB चार्जर, ये सारी खासियतें हमें वरना के अंदर मिल पाएंगी। क्या 96,000 रुपये लगाना इस चीज़ों के लिए वर्थ है? दूसरी तरफ देखते हैं सेफ्टी में भी, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, पावर डोर लॉक, ये दोनों चीज़ें दोस्तों हमें मिल पाएंगी इसी के अंदर ही। सेफ्टी के अंदर सियाज भी पीछे नहीं है, कुछ अलग सी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं सेफ्टी में, एंटी पिंच पावर विंडोज़, डे नाइट ओआरवीएम और रियर डिफॉगर, ये सारी चीज़ें हमें सियाज में मिल पाएंगी। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे बात करें, अगर आपने दोनों गाड़ियों में ही कंपेयर करना है, तो फिर कहीं ना कहीं सियाज एक बहुत 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 बेहतर एक एज लेके जाती है। 1,00,000 रुपया कम नहीं होते, उससे हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस के चार्जेस निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें बेस मॉडल एक्स शोरूम पड़ता है वरना का, वहीं पे ही हमें ऑन रोड पोजीशन में कहीं मिल जाती है हमें सियाज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी बाजी मार के ले जाती है सियाज, जहाँ पे उसका इंजन भी बराबर है, लेंथ, विड्थ, हाइट भी ज़्यादा है, सेफ्टी के फीचर भी तकरीबन सेम है और ऊपर से उसकी माइलेज भी अच्छी है, तो सियाज थोड़ी सी बेहतर लगती है यहाँ पे। आगे चलते हैं दोस्तों अगला वेरिएंट। अब जो इसके वेरिएंट आते हैं ऑटोमेटिक में, वहाँ से शुरू करते हैं। SX वेरिएंट शुरू होता है क्योंकि इसके बेस वेरिएंट के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। तो SX के अंदर CVT ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट है उसकी बात करते हैं दोस्तों, वो 11,95,000 रुपये का है। और वही सियाज के अंदर हमें डेल्टा ऑटोमेटिक का वेरिएंट जो है टॉप कन्वर्टर वाला 9,98,000 का पड़ता है। मासिव 1,93,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो बहुत मैटर करता है।
डिफरेंस देखिए कहाँ कहाँ पे आते हैं। 6 स्पीड का सीवीटी ट्रांसमिशन हमें मिल पाता है, 4 स्पीड का टॉप कन्वर्टर हमें सियाज के अंदर मिलता है। टायर साइज की बात को तो 195/55R16 टायर मिलते हैं हमें, बड़े प्रोफाइल के टायर वरना में। वहीं पे वही पुराने वाले 185/65R15 टायर मिलते हैं हमें सियाज के अंदर। और अगर बात करें माइलेज की तो वही 17 से 18 के करीब की क्लेम करते हैं, ये भी वही 18 और 20 के बीच की माइलेज में भी बाजी मार के ले जाती है। और अगर बात करूँ दोस्तों इसके आगे इससे ऊपर क्या मिल जाता है हमें वरना के अंदर, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इको कोटिंग की सुविधा एसी के साथ, और यूएसबी चार्जर, स्मार्ट एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, टच स्क्रीन के साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, जीपीएस नेविगेशन, ऑटो हेडलैम्प्स और रिमोट फ्यूल लिड ओपनर और सनरूफ की सुविधा हमें मिल जाती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ वरना के अंदर मिल पाएंगी। इन चीज़ों के साथ ही दोस्तों एक प्रीमियम सी गाड़ी की फील मिलती है, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ते हैं हमें। बट इसके साथ सेफ्टी भी अच्छी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन है, वरना एक बेहतर कार मेरे को यहाँ पर नज़र आती है। अगर आपको ऑटोमेटिक ही लेनी है, अभी काम चलाना है, तो फिर 10 लाख रुपये में सियाज ठीक ठाक सा ऑप्शन है। लेकिन अगर बेहतर की बात करें तो वरना अच्छी है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज अपने हिसाब से सियाज भी है, लेकिन अगर वरना पे हम पैसे लगाते हैं तो वो पैसे, जितने पैसे हम उस गाड़ी पे देते हैं उतने पैसे वहाँ पे वसूल हो जाते हैं जहाँ पे उस गाड़ी की कीमत है। ऑलराइट, तो अगली बात करते हैं, टॉप वेरियंट की बात करते हैं। SX ऑप्शनल इसका टॉप वेरियंट है, वरना में 13,85,000 रुपये का है, और अल्फा ऑटोमेटिक 11,10,000 रुपये का है, जिसके अंदर डिफरेंस अगर देखें तो 2,75,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर टायर साइज की बात करूँ तो 195/55R16 दोनों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन वरना के अंदर क्या डिफरेंस है, डुअल टोन का डैशबोर्ड, वेंटिलेटेड सीट्स, इको कोटिंग, यूएसबी चार्जर और 30.32 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई ब्लू की टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कार का फीचर और HD डिस्प्ले वाला वो फीचर मिल जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और मिल जाती है, रिमोट से आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो और साथ ही उसका AC भी ऑन कर सकते हो। यानी कि जब हमने गाड़ी में बैठना है तो उसे 10 से 15 मिनट पहले इंजन स्टार्ट करके हम AC भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें वरना में मिल पाएंगी। प्रीमियम गाड़ी की, रिच गाड़ी की फील अगर हम कहें तो 2,75,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, उसके बाद सेफ्टी के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सेफ्टी में सबसे बड़ी बात 6 एयरबैग और टेल टेंटाइलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। प्रीमियम गाड़ी की फील प्रॉपर दे देती है हमें, वरना कोई ऐसी परेशानी नहीं है 2,75,000 रुपये लगाने में। अगर हम दोनों के अंदर देखें तो अगर हम उस लेवल तक जा सकते हैं, 2,75,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं जितने भी अल्टो आ जाती है, अगर उतने पैसे में एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं तो वरना वैल्यू फॉर मनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर बात करूँ मैं अल्फा वेरिएंट की, टॉप वेरिएंट की, तो इसके अंदर 17.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, मिरर लिंक की सुविधा के साथ, जो स्मार्ट स्पेस स्टूडियो छोटी इग्निस में आता है वही इसमें भी आता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वरना के अंदर एक थोड़ी सी आपको प्रीमियमनेस फील होगी, स्पेशल गाड़ी कुछ फील होगी कि आपने अलग से पैसे लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और सियाज के अंदर, टॉप वेरिएंट के अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग ही मिल पाते हैं, 4 एयरबैग की सुविधा है ही नहीं। वर्डिक्ट निकालते हैं दोस्तों अब इसका क्या बनेगा। वरना के अंदर एक 1.0 लीटर का एक इंजन भी हमें मिल पाता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वायरलेस चार्जर, रिमोट से इंजन को स्टार्ट करने की और AC चलाने की सुविधा मिल जाती है, आर्क मेका, प्रीमियम साउंड वाला सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन सिग्नल सिस्टम, एमरजेंसी सिग्नल सिस्टम और स्मार्ट ट्रंक ओपनर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर इसके अंदर मिल जाता है हमें, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक और स्लाइडिंग फ्रंट आर्म रेस्ट, इको कोटिंग फॉर AC, उसके साथ ही हमें पीछे जो बूट है उसके अंदर हमें नेट भी मिल जाती है, जो प्रीमियम सी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रीमियम फील कराती हैं, रिच फील कराती हैं हमें। और 1.0 लीटर का जो हमारे पास एक टर्बो इंजन है वो इसके पास है ही नहीं, जिसके अंदर की 14,000 रुपये हमें और देने पड़ेंगे इस गाड़ी की कीमत के अलावा। उसके बाद हमें हिल होल्ड असिस्ट की सुविधा भी मिल जाएगी और शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिक सनरूफ और कॉर्नरिंग लैंप्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वरना में अवेलेबल हैं, सियाज में नहीं है। दोस्तों अगर हमने एक गाड़ी लेनी है, सेडान गाड़ी लेनी है, जिसमें कि हमें छोटी गाड़ी से हमारा काम चल जाता है, फीचर थोड़े कम भी हो तब भी काम चल जाएगा, तो हमारे पास सियाज एक बेहतर विकल्प है। आइदर
अगर हमें एक प्रीमियम गाड़ी, अच्छी गाड़ी चाहिए, रिच फील वाली गाड़ी चाहिए, बोल्डर लुकिंग गाड़ी चाहिए, तो फिर हम वरना के पास जाएं, जिसके अंदर हर चीज़ हमें स्पेशल सी कुछ देखने में ट्रीटमेंट मिलेगा, डुअल टोन का डैशबोर्ड मिलेगा। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो फिट फिनिश की क्वालिटी में भी, प्लास्टिक क्वालिटी में भी कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आती है वरना। वहीं पे तात्पर्य यही है कि अगर हम बेस मॉडल ले रहे हैं तो बेस मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा के ले जाती है सियाज। इधर किसी भी वेरिएंट के अंदर मैं अगर तात्पर्य निकालूं, सारी चीज़ों का निचोड़ निकालूं, तो वैल्यू फॉर मनी पैकेज दोनों ही है, लेकिन अगर बेहतर गाड़ी की बात करें तो वरना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिव्यू, आपको ये कंपटीशन पसंद आया होगा। आप क्या समझते हैं कि कौन सी गाड़ी कौन बेहतर है, या कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक